सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली फिल्म आपकी तैयार हो चुकी है। शुक्रिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। बनाते वक्त वी गो थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स, कभी खुशी थी, कभी गम था, कभी नर्वसनेस थी, कभी रिलैक्स था। इट्स बीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ फीलिंग्स। किस तरह का सपोर्ट रहा धर्म जी की तरफ से, सनी की तरफ से, बॉबी की तरफ से? आप सपोर्ट एक्चुअली बहुत आया उनकी तरफ से। जब उन्होंने पहला शेड्यूल देखा मेरा, उन्हें बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि अच्छा, ये फिल्म में एक रोल जो मैंने किया हुआ है, एक बहुत ही नेचुरल सा रोल किया हुआ है मैंने। एक्टिंग ज़्यादा की नहीं है, व्हाट आई एम इज़ व्हाट आई एम। कैमरा पे भी जो मैं हूँ मैंने वही पोर्ट्रे किया है। तो उनकी तरफ से बहुत ही सपोर्ट आया, इनकरेजमेंट आई। उन्होंने कहा कि जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, बस स्टिक टू इट, यू नो, डोंट लूज योर वे। अब बात करें, सोचा ना था कि हाँ जी क्या है, क्या सोचा नहीं था आपने? हाँ, सोचा ना था। सोचा ना था नाम दिया हुआ है क्योंकि इस फिल्म में प्लॉट ऐसा है कि देर आर प्लेसेस वेयर कुछ होता है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अच्छा ये होगा। इसलिए सोचा ना था कि सीन ऐसे जा रहा है और अभी सिचुएशन ये है और फिर मेरा कैरेक्टर कुछ करता है जिसकी वजह से कुछ और ही हो जाता है। तो सोचा ना था कि वो ये करेगा, वो करेगा और उसकी उसका रिजल्ट ये होगा, इसलिए नाम रखा गया सोचा ना था। क्या बात करें, किस चीज़ पे बेस्ड होगी ये फिल्म? रोमांटिक है क्या है ये फिल्म? है या फिल्म रोमांटिक है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है इसमें। इतनी हैवी मेलोड्रामेटिक फिल्म तो नहीं है, एंटरटेनिंग फिल्म। तो अपने रोल के बारे में बताइए क्या? हाँ जी, तो मेरा रोल एक लड़के का है जो अमेरिका में पढ़ाई करके वापस आ गया, लेकिन उसने काम शुरू नहीं किया अभी तक, ग्रेजुएट है, बट ही जस्ट वांट्स टू हैव फन। और उसका बाप चाहता है कि ये सीरियस हो जाए, काम शुरू कर दे, लेकिन उससे होता नहीं है। ऑल्सो ही इज़ अ गाय हू वो ट्राई करता है कि मैं सही काम करूँ, लेकिन उससे होता नहीं है। और जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फिर उनको सॉल्व करने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन सॉल्व करते वक्त वो फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो ऐसा ही प्लॉट है, वो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या करने की कोशिश करता है और क्या होता है, इज़ द कैरेक्टर। आयशा के साथ किस तरह की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी सेट पे, किस तरह का माहौल था? केमिस्ट्री अच्छी रही है, जिसने भी फिल्म देखी है हमारी उन्होंने कहा है कि अच्छा तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, तुम दोनों अच्छे लगते हो साथ में, और सीन्स में वो जो फीलिंग्स आनी चाहिए थी वो आ गई हैं। सो इट्स गुड कि लोगों को अच्छी लग रही है हमारी केमिस्ट्री। म्यूज़िक के बारे में? म्यूज़िक बहुत मेलोडियस है, इतना फास्ट भी नहीं है, इट्स अ मेलो एल्बम। मुझे तो पुरानी फिल्मों की याद आ जाती है जब मैं सुनता हूँ अपने एल्बम, विच इज़ व्हाट आई लाइक। मुझे पुरानी फिल्मों के गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस किस्म के गाने हैं। और आजकल तो म्यूज़िक बहुत फास्ट और स्टाइलिश हो गया है। It's not fast and stylish, it's melodious. और it's got a lot of soul. मतलब कि कहानी में जो सिचुएशन थी उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, संदेश ने, इम्तियाज़ ने बैठ के प्लॉट की सिचुएशन को सोच के उस पर गाने लिखे हैं। एंड विच इज़ वॉट्स नाइस कि जब आप फिल्म देखोगे तो जब गाने आते हैं तो वर्ड्स भी वही कह रहे हैं जो मेरे कैरेक्टर के अंदर हो रहा है, यू नो, फीलिंग्स जो आ रही हैं। फिल्म तो अब रिलीज़ को तैयार है, क्या लगता है आपको, कितने नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं? नर्वसनेस आज तक तो नहीं थी। आज इतने कैमरा है मेरे सामने अभी, इसलिए तो थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि हाँ फिल्म रिलीज़ होने वाली है, टाइम आ गया है। तो नर्वसनेस तो नर्वस था नहीं अभी तक, अभी मैं नर्वस हो गया हूँ क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और लग रहा है कि अच्छा एवरीबडी इज़ गोना बी वॉचिंग, क्या सोचेंगे, उन्हें अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरे बारे में क्या कहेंगे, यू नो, मेरे बालों के बारे में क्या कहेंगे। तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, वो तो होगा ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।